नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैक बुटीक में। आज हम आपको बताएंगे कि बेल बॉटम पैंट की कटिंग कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। दोस्तों ये हमारा कपड़ा है, ये हमने लिया है 2.25 मीटर। आप अपने नाप के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से 2.25 या 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। और ये दोस्तों हमारा नाप है, लंबाई 38 इंच है और जो इसकी कमर है 32 इंच, थाई 26 इंच, जो इसकी नीज है यानी कि हमारा घुटना वो हमने 18 इंच लिया है और मोरी रखेंगे हम 26 इंच के ही पर 36 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। इस कपड़े को दोस्तों इस तरीके से खोल लेंगे हम। ये देखिए ये कपड़ा है हमारा, इसको हम अपनी तरफ रखेंगे, कन्नी को जो ओपन वाला हिस्सा है अपनी तरफ रहेगा और जो बंद वाला है उस तरफ रहेगा। चलिए कपड़ा बिछा लेते हैं हम। दोस्तों ये हमारा कपड़ा बिछ चुका है, चलिए निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। एक निशान दोस्तों हमें यहाँ लगाना है कपड़े को सीधा करने के लिए। तो फिर हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से, इंच टेप रखकर 38 इंच है हमारी लंबाई और एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है आसन, तो हमारी यहीं पर 36 इंच, इसका हम 1/4 हिस्सा लेंगे, 1/4 हिस्सा वो होता है 9 इंच। तो 9 निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे, एक लगाएंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पे। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे अपना नीज का निशान यानी कि घुटने का, जो हमारी आ रही है 27 इंच, 27 का आधा दोस्तों 13.5 इंच, 13.5 इंच हो गया और 2 इंच से हम लगाएंगे ऊपर एक निशान, यहाँ हमने अपना घुटने का निशान रखना है 2 इंच ऊपर। चलिए सीधे फुटे की मदद से निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारी लंबाई का निशान है जहाँ हमें मोरी फोल्ड करनी है और यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। दोस्तों हमारी मोरी का निशान लग चुका है, अब हम लगाएंगे हमारी मोरी कितनी लगनी है हमें। हमारी मोरी है दोस्तों 26 इंच, तो एक निशान ये इतना सिलाई के लिए रखाएंगे, 26 का आधा होता 13 और 13 का आधा 6.5, इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये दोस्तों आगे 7 इंच जो हमें मार्जिन भी रखना है, इसमें एक निशान 7 इंच पे और इसी तरीके से हम आगे अपने निशान लगा लेंगे 7-7 इंच पे पैंट की सेंटर के लिए। ये देखिए दोस्तों अब सीधे स्केल की मदद से हम इसे डार्क कर लेंगे। तरीके से देखिए दोस्तों 6.5 इंच यहाँ पे लगाया हमने निशान और 6.5 लगाएंगे आगे, तो ये 13 इंच आ गया, 13 दूनी 26 इंच, 26 इंच ये आ गया है और हमारा जो नीज है घुटना ये 18 इंच है, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 इंच पे एक हम एक निशान यहाँ लगाएंगे सेंटर से और 4.5 इंच पे हम एक निशान यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस निशान को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं लगाकर इस तरीके से। ये लग चुके दोस्तों और एक निशान हमें यहां लगाना अपने कमर का इस तरीके से।
और इस निशान को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से। अब दोस्तों हमें लगाना अपना थाई का निशान, जो हमारी थाई है वो 26 इंच है। इस निशान से 26 इंच लाइन लगाएंगे हम निशान इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम लगाएंगे अपना कमर का निशान, जो हमारी कमर है वेस्ट 32 इंच है दोस्तों। 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8 इंच, इस निशान से हम 8 इंच रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम 1 इंच प्लेट का निशान और 1 इंच कपड़े के सिलाई में जो आना है उसका निशान ये यहाँ पे। तो दोस्तों ये आ रहा है 11 इंच पे, ये देखिए, और एक निशान हमने 11 इंच पे लगाना है। इसी तरीके से जो हमारे आसन का निशान आएगा कमर के साथ ही, इससे ही आपका निशान 2 से 2.5 इंच आना चाहिए, जो बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखिए। अब इस निशान को दोस्तों हम सीधा लगा लेंगे इस तरीके से, और एक निशान हमने क्रॉस में लगाना गोलाई के लिए, और इस तरीके से हम अपनी गोलाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाया था राउंड पे राउंड पट्टी से, ये निशान ऐसे राउंड पट्टी से हम लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे, और इसको निशान को हमने यहाँ सीधा कर देना दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों ये हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें हम आपको बता देते हैं हमारी कमर है 32 इंच, इसके हिसाब से हमारी बेल्ट और इलास्टिक कितनी आएगी। जो हमारी कमर होती है ना दोस्तों, उससे हम 1/2 इंच कम कर लेते हैं, मतलब उसका 50% आधा, 32 का आधा हो गया 16 इंच, ये बेल्ट लिख दी हमने, 16 इंच की बेल्ट आएगी। और जो हमारी इलास्टिक आएगी वो हम कम बेल्ट से 3 या 4 इंच कम रख सकते हैं, तो हम इसे 3 इंच कम रखेंगे, यानी कि 13 इंच। और ये जो निशान सेंटर का लगा हुआ है हमने लगाया, इसी निशान पे हम अपनी प्लेट रख देंगे 3.5 इंच पे, इस तरीके से ये प्लेट डल जाएगी यहाँ पे दोस्तों। इस तरीके से हम प्लेट आ जाती है हमारी डलने के बाद, इतना हमें मार्जिन लेना है, इसमें टोटल 1 इंच कवर करना है। चलिए दोस्तों इसको हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काटेंगे निशान के ऊपर, सीधा कर लेंगे काट के। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे प्लेट के सेंटर के लिए इस तरीके से। पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे काटना, जो हमारा मार्जिन है ये। बिल्कुल हमें निशान के साथ काटना है। एक साइड हमारी कट चुकी है, अब हम दूसरी तरफ काटेंगे निशान के बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है ये। दोस्तों हम काटते हैं अपना बैक का पल्ला, बेल बॉटम पैंट का, इस तरीके से। अब अपने कपड़े को साफ कर लीजिए ऐसे, या तो आप प्रेस की मदद से कर सकते हैं या फिर ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कन्नी से आपको 1/2 इंच इधर रखना है, ताकि जो कन्नी ये कट जाए, नहीं तो ये खिंच मारती है बाद में।
ऐसे ही आपने यहाँ से हटा के रखना आधा इंच, ऐसे ही आपने थाई के निशान के हटा के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसमें निशान लगाएंगे बैक के पल्ले में अपने सिलाई के मार्जिन का। यहाँ से दोस्तों रखेंगे हम ढाई इंच पे इस तरीके से, और यहाँ से हम रखेंगे इसको डेढ़ इंच पे, ऐसे एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपको रखना है ये दो इंच नीज के पास से, जो हमारा ये निशान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम ये वाले निशान कंप्लीट कर लेते हैं अपने इस तरीके से। जी दोस्तों निशान लग चुका है, तो अब दोस्तों हम लगाएंगे अपना बैक के आसन का निशान, क्योंकि ऐसे इस तरीके से, और इसमें हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे कैसे, और सीधा राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों हमें एक निशान सीधा लगाना है हमें फ्रंट के पल्ले के सीध में, और इसे हम नाप लेंगे दोस्तों तीन इंच पे ऐसे इस तरीके से। और इस निशान से हमें फ्रंट के इस कोने से जहाँ बेल्ट लगी है हमारी, इस तरीके से निशान लगा लेना है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि दोस्तों जो लेडीज़ की जो हिप होती है वो थोड़ी हैवी होती है, इसलिए हम ढाई से तीन इंच, इसको ढाई से तीन, तीन से साढ़े तीन इंच तक हम इसको बढ़ा के रखते हैं, और ये ज़रूरी होता रखना ताकि बैठने उठने में लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना आए पैंट पहनने के बाद। तो चलिए दोस्तों इसे हम काटना स्टार्ट करते हैं बैक को। पहले हम ऊपर से काटेंगे निशान के ऊपर अपने, चलिए दोस्तों अब हम साइड काटेंगे इसकी बिल्कुल बराबर जितनी फ्रंट की कटी हुई है। देखिए दोस्तों एक साइड हमारी कट चुकी है, और हम इस तरफ से काटेंगे इसको आसन की तरफ से बिल्कुल निशान के साथ में। ये देखिए दोस्तों हमारी बेल बॉटम जो पैंट है वो कट के तैयार हो गई है। इसको हम कपड़े को नीचे सीधा कर लेंगे जो एक्स्ट्रा निकल रहा है फ्रंट के पल्ले के बराबर। दोस्तों जहाँ हमने फोल्ड करना है बैक पे भी एक कट लगाएंगे और फ्रंट पे भी कट लगाएंगे हम जहाँ हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बेल बॉटम पैंट कट के तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।